हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ इस नाइफ की। गोदरेज कंपनी का है ये, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग। गोदरेज कार्टिनी नाम से ये नाइफ गोदरेज से लॉन्च्ड है ये। और जो इसका टैग है वो है एवरी कट इज अ क्रिएशन। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में है और ये दो और अवेलेबल कलर्स में अवेलेबल हैं। एक तो रेड है, एक ब्लू कलर में अवेलेबल है। इसकी जो MRP है वो 220 रुपये है, आप देख सकते हैं। और मैं कुछ इसके कम प्राइजिंग्स बता देता हूँ। वो ये है कि एक ये वन इजी नाइफ है, वन हैंडी, अगेन हैंडी लार्ज नाइफ है, देख सकते हैं आप ये। और मैं इसको खोल के भी दिखला दूंगा एंड में। फिलहाल मैं इसके कंप्राइजेस बता देता हूँ कि जो इजी नाइफ है उसकी जो थिकनेस है वो 18 सेंटीमीटर है और जो इसका ग्राउंड फ्रॉम 0.8 mm थिक है। SS है, SS स्टेनलेस स्टील। हैंडी नाइफ है वो 18 सेंटीमीटर है, मतलब इन दोनों का जो है वो सेम ही है। जो लार्ज है वो उसका साइज है 22.5 सेंटीमीटर और थिकनेस तीनों का ही सेम है। तो आप देख सकते हैं ये है। सो अभी मैं इसको खोल के दिखला देता हूँ। लार्ज निकाल देता हूँ। ये काफ़ी ग्रिप इसका काफ़ी अच्छा है और जो प्लास्टिक है वो भी काफ़ी अच्छा यूज किया हुआ है इसमें। और ये इसका काफ़ी अच्छा ग्रिप है, प्लास्टिक तो सेम ही, लेकिन इसका ग्रिप मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। ऐसा ही है, जो नॉर्मल जैसा होता है वैसा ही है, थिक नहीं है ये, बिल्कुल ही लाइट है, लाइट वेट है। और जो इसका थर्ड है वो भी मैं ऐसा मैं कट करके देखता हूँ ना, कट काफ़ी स्मूथली कट हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ये जो इसका पेपर है वो काफ़ी स्मूथली कलर कट हो जा रहा है। अब पेपर के थिकनेस आप देख सकते हैं, काफ़ी मजबूत पेपर है। जो इसका कवर है थर्ड वाला जो है, अभी मैं इसे भी कट करके देखता हूँ। ये इसका देख लो आप, ब्लेड इसका कैसा है, ये भी काफ़ी स्मूथली काट दे रहा है। एक्चुअली इससे ज़्यादा स्मूथली ये काट रहा है। इसे ये जो प्लास्टिक का है ये काट के दिख रहा हूँ, बड़ी स्मूथली काट दे रहा है, आप देख रहे हैं। मुझे थोड़ा भी मतलब प्रेस नहीं डालना पड़ रहा है, स्मूथली काट दे रहा है। इससे मैं काट के देखता हूँ। इससे ज़्यादा स्मूथली मुझे ये लगा, मे बी ये रगड़ है शायद इसीलिए। तीनों ही ब्लेड अच्छे से काटते रहे, लेकिन आई वुड से दिस कट वेरी स्मूथली। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, प्लीज हैव अ लुक। थैंक यू वेरी मच।